हेलो गाइस स्वागत है आप स्वागत है आपका बायो अड्डा में फिर से एक बार लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी पे हेल्थ एंड डिसीज के बारे में डिस्कशन किया था उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स हमने पढ़े थे उनके कॉजिंग वो कॉज कैसे करेंगे स्प्रेड कैसे होगे ये हमने देखा था उनके सिम्टम्स कैसे हमारे बॉडी पे दिखेंगे ये हमने पढ़ा था इन पर डिस्कशन किया था इस बार हम पार्ट थ्री में हेल्थ एंड डिस के पार्ट थ्री में हम देखेंगे इम्यूनिटी के बारे में ठीक अब इम्यूनिटी इम्यूनिटी मतलब ऐसा सिस्टम होगा कि जो डिसीज़ को हमारे बॉडी पे हावी होने से रोकेगा इम्यूनिटी मतलब ऐसा सिस्टम होगा ऐसा एबिलिटी होगा कि जो डिसीज़ से लड़ेगा ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम और सिस्टम क्या होगा एक इम्यून सिस्टम होगा उसमें क्या होगा कि डिसीज जो भी हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स जाएगा, उसे हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा दिखाने से पहले ही वो सिस्टम क्या करेगा उसे किल करेगा ऐसा पावर ऐसा सिस्टम मतलब क्या होगा इम्यूनिटी अब ऐसे सिस्टम के दो टाइप्स होंगे हमारे बॉडी में इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड <coughs> इम्यूनिटी देखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी ये बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होगी बॉडी में और ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होगी ये किसी भी ऑर्गेनिज्म पे एक्ट हो सकता है स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पे ये एक्ट हो नहीं सकता अब ये इम्यूनिटी डिफरेंट टाइप के बैरियर्स हमारे बॉडी में फॉर्म करेगी कि जो रोक सकेंगे फॉरेन पार्टिकल्स को हमारे बॉडी में एक्ट होते होते तो ऐसे डिफरेंट टाइप के जो बैरियर्स होंगे वो हमें देखेंगे चार तरह के बैरियर्स होंगे पहले तो फिजिकल बैरियर होगा फिजियोलॉजिकल बैरियर सेल्यूलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर देखेंगे कि फिजिकल बैरियर अब फिजिकल बैरियर में क्या आएगा कि म्यूकस इपिथिलियम लाइनिंग होगी ऐसे एपिथिलियम सेल्स जो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे वो म्यूकस क्या करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकेगा हमारे बॉडी में एक्ट होने से माइक्रोब्स को वो रोकेगा तो ऐसे म्यूकस कोटिंग एपिथिलियम लाइनिंग कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में होगा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में ये होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब जो ट्रकिया होगा ट्रकिया के अंदर क्या होंगे सिंपल सीलियाज हो वो क्या करेंगे म्यूकस सिक्रिट करेंगे इपिथिलियम जो होगा वो म्यूकस सिक्रिट करके गैस्ट्रोइंटेसनल ट्रैक्ट में जो भी यूरिन पास होगा सॉरी यूरिनोजेनाइटल ट्रैक में जो भी यूरिन पास होगा वो क्या होगा वहाँ पे भी ये म्यूकस लाइनिंग प्रेजेंट होगी गैस्ट्रो इंटेस्टन मतलब जो इंटेस्टाइन या फिर यानी स्टमक स्टमक के बाद इंटेस्टाइन स्टमक और इंटेस्टाइन इन दोनों में क्या होंगे म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होगी ये म्यूकस सिक्रेट करेगी जो माइक्रोब्स होगे उनमें उनको रोकने के लिए उनका डिवीजन स्टॉप करने के लिए फिजियोलॉजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आएगा जैसे कि सलाइवा टीयर्स अपना सलाइवा या फिर टीयर्स या फिर स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होगा वो ये क्या होगा फिजियोलॉजिकल बैरियर में आएगा ये भी क्या करेगा मोस्टली जो भी माइक्रोब्स हम फूड फूड से या फिर वाटर से अंदर इंगल्फ करेंगे उन उनको ये रोकेगा सेल्युलर बैरियर्स ऐसे बैरियर्स होंगे यहाँ पे सेल एक्ट एज अ बैरियर जैसे कि डब्ल्यू बी सीज में डिफरेंट टाइप के डिफरेंट टाइप्स होंगे जैसे कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स पी एम एन एल अब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यू बी सीज होगा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर मतलब इनका न्यूक्लियस डिफरेंट टाइप का होगा मतलब एक सेल होगा एक सेल का न्यूक्लियस ऐसा होगा ठीक है दूसरा सेल होगा दूसरा सेल का न्यूक्लियस बायलोब होगा थर्ड सेल होगा थर्ड सेल का न्यूक्लियस ट्राइलोब्ड होगा मतलब ये न्यूक्लियस के बेसिस पे इनके टाइप्स किए गए इसलिए इनको क्या कहेंगे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स पॉली मतलब डिफरेंट बहुत सारे मॉर्फो मतलब स्ट्रक्चर होंगे न्यूक्लियस के यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखेगा इसलिए इन्हें क्या कहेंगे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोटाइट्स ठीक वैसे मोनोसाइट्स हो गए नेचुरल किलर टाइप्स के सेल्स होंगे ये भी लिम्फोसाइट्स में आएंगे लिम्फोसाइट्स मतलब बी सेल और टी सेल इनका ये टाइप्स होगा जो ब्लड में प्रेजेंट होगी और कुछ ये सारे यानी डब्ल्यू बी सी ये क्या ये कैसा काम करेगी फैगोसाइटोसिस का काम करेंगे ये क्या काम करेंगे फैगोसाइटोसिस का काम करेंगे इसमें फैगोस फैगोस मतलब क्या होगा किलिंग साइटोस सेल ये सेल को किल करने का काम करेगे सेल यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स है सेल क्या है यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल्स उसे किल करने का काम यानी इसे क्या कहेंगे फैगोसाइटोसिस नेक्स्ट अगर बैरियर देखेंगे तो साइटोकाइनिन बैरियर होगा अब साइटोकाइनिन बैरियर मतलब क्या ये देखो अगर ये एक सेल है इस सेल में अगर कोई वायरस एंट्री करेगा इस सेल में अगर कोई वायरस एंट्री करेगा तो ये सेल अफेक्ट होगा ये सेल अफेक्ट होगा तो ये सेल क्या करेगा एक प्रोटीन सिक्रेट करेगा बॉडी के ऊपर क्या करेगा एक प्रोटीन सिक्रिट करेगा बाहर एक प्रोटीन सिक्रिट करेगा और ये प्रोटीन क्या करेगा दूसरे सेल को सिग्नल भेजेगा तो ये प्रोटीन क्या करेगा दूसरे सेल को सिग्नल भेजेगा तो ये सेल एक्टिव होगा और ये अपने बॉडी पे एक प्रोटीनियस मेम्ब्रेन फॉर्म करेगी कि जब ये वायरस इस सेल तक आएगा तो ये प्रोटीनियस मेम्ब्रेन क्या करेगा इस वायरस को रोकेगा तो इस प्रोटीनियस मेम्ब्रेन को क्या क्या कहेंगे इंटरफेरॉन्स <coughs> यानी सेल खुद को बचाएंगे इसलिए इसे क्या कहेंगे साइटोकाइनिन बैरियर्स इंटरफेरॉन ये क्या इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करेगा और इंटरफेरॉन क्या करेगा सेल सेल को बचाएंगा वायरस या फिर बैक्टीरिया से <coughs> ठीक नेक्स्ट अगर देखेंगे तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होगी स्पेसिफिक पैथोजन स्पेसिफिक बैक्टीरिया पे एक्ट होगा ये इम्यूनिटी ठीक अब इसमें दो तरह के रिस्पॉन्स होंगे एक तो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा दूसरा सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होगा वो पहले फॉर्म होगा और सेकेंडरी रिस्पॉन्स उसके बाद ये फॉर्म होगा अब देखो यहाँ पे बॉडी वेन एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स यानी अगर बॉडी पे किसी पैथोजन ने पहली बार अटैक किया बॉडी पे किसी किसी पैथोजन ने पहली बार अटैक किया तो उसे रीड करना उसका मैकेनिज्म समझ लेना ये क्या होगा प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा ये बहुत स्लो रिस्पॉन्स होगा लेकिन जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स आएगा तो पहले ही वो पैथोजन को हम रीड कर रीड कर चुके लेकिन उसके बाद अगर वही पैथोजन दूसरी बार अगर हमारे बॉडी में आया तो बॉडी उसका वेट नहीं करेगी बॉडी क्या करेगी डायरेक्टली उसे किल कर देंगे वो क्या होगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स वो क्या होगा सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऐसे ऑर्गन्स यहाँ पे डेवलप हो गए जैसे कि प्राइमरी ऑर्गन्स जो होंगे वो क्या होंगे बोन मैरो होगा और थाइमस होगा ये क्या होंगे प्राइमरी ऑर्गन और, और सेकेंडरी ऑर्गन स्प्लीन लिवर ये जो होंगे ये क्या होंगे सेकेंडरी ऑर्गन्स होगी तो ठीक है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा उसको हेल्प करने वाले दो तरह के सेल्स होंगे एक तो बी सेल होंगे या फिर टी सेल होंगे बी सेल बी सेल मतलब जो बोन मैरो से प्रोड्यूस हो गए बी सेल मतलब जो बोन मैरो से प्रोड्यूस हो गए टी सेल मतलब टी लिम्फोसाइट्स मतलब जो थाइमस से प्रोड्यूस होगी अब बी <coughs> लिम्फोसाइट्स इनका काम मोस्टली क्या होगा कि ये एंटीबॉडीज़ फॉर्म करेंगे, यानी एंटीजन के अपोजिट में ये क्या करेंगे एंटीबॉडीज फॉर्म करेंगे और टी सेल टी सेल क्या करेंगे बी सेल को हेल्प करेंगे एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में बी सेल को ये हेल्प करेगी एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में यानी एंटीबॉडीज कौन फॉर्म करेगा बी सेल ही फॉर्म करेगा लेकिन टी सेल क्या करेगा बी सेल को हेल्प करेगा एंटीबॉडीज फॉर्म करने में ठीक अब एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे जो दिया है ये क्या है एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर इसमें ये एक चेन ये दूसरा चेन यानी ऐसे दो चेन दो सिमिलर टाइप के चेन होंगे ये क्या होंगे लाइट चेन होंगे और ये एक पूरा चेन और ये एक चेन यानी ये क्या होंगे लार्ज चेन होगी यानी हेवी चेन होंगे यानी इसमें दो लाइट चेन होंगे और दो हेवी चेन होंगे तो टू लाइट और टू हेवी टू एल टू एच भी बोलेंगे या भी फिर एच टू एल टू भी इसे बोलेंगे हाई हाई लेवल के जो चेन होंगे वो दो होंगे और लो लेवल के चेन होंगे वो दो होंगे इसमें डिफरेंट टाइप के टाइप्स डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी जैसे कि ए, एम ई जी ये जो है ये टाइप्स है इसके इनके टाइप्स गिरे डिफरेंट टाइप के फंक्शन के हिसाब से अब जिसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगे जिसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगे उसे क्या कहेंगे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स उन्हें क्या कहेंगे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स अब या फिर इसे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम भी कहेंगे ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड सिस्टम इम्यून सिस्टम भी इन्हें कहेंगे और जो सेकंड टाइप का होगा सेकंड टाइप का होगा उसे सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कहेंगे यानी जो टी लिम्फोसाइट से फॉर्म करेगा यानी ये इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज कौन फॉर्म करेगा बी सेल फॉर्म करेगा तो इसे क्या कहेंगे एंटीबॉडी मेडिएटेड सिस्टम या फिर ह्यूमरल मेडिएटेड सिस्टम लेकिन जो टी सेल से फॉर्म होगा उसे क्या कहेंगे सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम यह ध्यान देना है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम कौन फॉर्म करेगा टी सेल फॉर्म करेगा और एंटीबॉडी मेडिएटेड सिस्टम बी सेल फॉर्म करेगा अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है. जब किसी आ, ह्यूमन का ट्रांसप्लांटेशन होता है किसी ह्यूमन का ट्रांसप्लांटेशन होता है ट्रांसप्लांटेशन मतलब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है शिफ्ट होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो यहाँ पे मोस्टली हम क्या क्या चेक करते हैं हम पहले तो चेक करेंगे ब्लड ग्रुप अगर ब्लड ग्रुप मैच होगा तो सही है दूसरा चेक करेंगे आर फैक्टर आर फैक्टर सही होगा तो हम डायरेक्टली इन्हें शिफ्ट कर देंगे लेकिन अगर डायरेक्ट शिफ्ट करेंगे तो वो जो ऑर्गन वहाँ पे प्रेजेंट होगा वो उस बॉडी में शिफ्ट तो होगा लेकिन वो बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा तो टी सेल की वजह से नहीं करेगा क्यों क्योंकि ये सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम दिखाएगा अब टी सेल टी सेल क्या करेगा टी सेल जो भी फॉरेन पार्टिकल होगा उसे किल करने के लिए बी सेल को एक्टिवेट करेगा टी सेल क्या करेगा जो भी फॉरन फॉरन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंट्री करेगा उसे एक्टिवेट करेगा बी सेल को कि उसे जाके किल करे यानी एंटीबॉडीज उसके अपोज में फॉर्म करे अगर हमने किसी बॉडी में किसी का हर्ट बिठा दिया तो वो हर्ट इस बॉडी के लिए क्या होगा एज अ फॉरेन पार्टिकल होगा तो ये टी सेल क्या करेगी इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे यानी मैच नहीं होगा इन शॉर्ट तो इसे मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले टी सेल को मैच करना पड़ेगा पहले क्या करना पड़ेगा टी लिफोसाइड्स को मैच करना पड़ेगा उसके बाद ये ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है यानी दो तीन फैक्टर नहीं होगा इसमें सबसे लंबा और सबसे ताकतवर फैक्टर कौन सा होगा टी सेल यानी सेल मेडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ पे काम आएगा यहाँ पे चेक किया जाएगा ठीक एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी इसमें डिफरेंस क्या होगा <coughs> पहले देखेंगे एक्टिव इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी मतलब कि वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी मतलब क्या होगा वैक्सीनेशन इन शॉर्ट अब वैक्सीनेशन मतलब क्या करेंगे कि हम पोलियो का वैक्सीन लेते अब पोलियो का वैक्सीन मतलब क्या होगा उसमें डेड माइक्रोब्स होंगे जो वैक्सीन होगा वो क्या होगा एक्चुअली डेड माइक्रोब्स वो डेड माइक्रोब्स अगर हमारे बॉडी में चले गए तो वो क्या होगा हमारा बॉडी उन्हें उनके अपोज में एंटीबॉडीज़ फॉर्म करेगा हमारा बॉडी क्या करेगा उनके अपोज में एंटीबॉडी फॉर्म करेगा अब एंटीबॉडी फॉर्म करेगा तो वो एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी प्रिजर्व कर रहेंगे यानी उसे रीड करेगा मेमोरी सेल से क्या करेगा रीड करेगा अब रीड करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन मेमोरी सेल में, में, में स्टिक हो जाएगा इन फ्यूचर वही ऑर्गेनिज्म अगर फिर से हमारी बॉडी में एक्ट हो रहा है तो क्या होगा हमारा बॉडी उसे एक्ट होने नहीं देगा झट से उसे किल कर देगा वो इम्यूनिटी मतलब क्या होगा एक्टिव इम्यूनिटी मतलब इम्यूनाइजेशन जैसे कि वैक्सीनेशन पोलियो का वैक्सीन हम लेते इसीलिए हमारे बॉडी में पोलियो वायरस एक्ट नहीं होता है तो जब तक हम वैक्सीन लेते पाँच साल तक उसके बाद क्या होगा हमारा बॉडी ससेप्टेबल हो जाएगा <coughs> तो एक्टिव इम्यूनिटी ये क्या होगा स्लो रिस्पॉन्स करेगा एक्टिव इम्यूनिटी स्लो रिस्पॉन्स करेगा लेकिन इसका इफेक्ट जो होगा वो लंबा इफेक्ट होगा इसका इफेक्ट लंबा होगा फुल इफेक्ट होगा इसका ठीक नेक्स्ट अगर देखें तो पैसिव इम्यूनिटी अब पैसिव इम्यूनिटी ये रेडीमेड इम्यूनिटी होगी पैसिव इम्यूनिटी मतलब क्या होगा ये रेडीमेड इम्यूनिटी होगी यानी कि जो हम टैबलेट हम लेंगे वो टैबलेट मतलब क्या होगा पैसिव इम्यूनिटी कि फीवर आया तो हम टैबलेट लेंगे टैबलेट लेंगे तो फीवर 10-15 मिनट में निकल जाएगा ये फास्ट एक्ट होगी हमारे बॉडी पे क्या होगा फास्ट इसका एक्शन होगा फास्ट एक्शन होगा लेकिन कम पीरियड के लिए फास्ट एक्शन होगा लेकिन कम पीरियड के लिए उसे क्या कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी तो जो मदर मिल्क्स होगा जो मदर मिल्क होगा जैसे बच्चा पेट से बाहर आएगा बाहर आने के बाद जो मदर का पहला पहले तीन चार दिन में जो मिल्क निकलेगा उसके साथ एक येलोइश फ्लूड निकलेगा उसके साथ क्या निकलेगा ये येलोइश फ्लूड उसे क्या कहेंगे कोलोस्ट्रम जो येलोइश फ्लूड निकलेगा उसे क्या कहेंगे कोलोस्ट्रम और उसमें मोस्टली इमिनोग्लोबिलिन ए होगी आई जी ए ध्यान दे रहे हैं इम्योनोग्लोबिलिन ए किस में होंगे कोलोस्ट्रम में और कोलोस्ट्रम कहाँ होगा मदर्स मिल्क में जो पहले पहले सीक्रेट होगा येलोइश लोस्ट फ्लूड में ये सारे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हो गए और वो इनफंट्स को सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट से बचाएंगे यानी ये क्या करेंगे ये इम्यूनिटी फॉर्म होगी झट से और झट से डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगी यानी मदर्स का मिल्क भी क्या करेगा एज ए इम्यूनिटी का काम यहाँ पे करेगा लेकिन ये क्या होगा पैसिव इम्यूनिटी कुछ देर तक ये रहेगा जब तक बच्चा नहीं कर लेता एनवायरमेंट में तब तक ये इम्यूनिटी वहाँ पे काम करेगा ठीक और कुछ हद तक एंटीबॉडीज़ मदर प्रोवाइड करेगा प्लासेंटा से यानी जब तक बच्चा पेट में है तब तक क्या करेगा मदर उसे प्रोवाइड करता रहेगा एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ कहाँ से आएंगे? एनवायरमेंट से एनवायरमेंट से जो भी पैथोजेंस मदर के बॉडी पर एक्ट हो रहे वो पैथोजेंस के एंटीबॉडीज़ मदर की बॉडीज फॉर्म करेगी और वो सारे बच्चे को प्रोवाइड करते रहेगी मतलब बच्चा ऑलरेडी डेवलप होके निकलेगा लेकिन बाहर आने के बाद उसे यहाँ पे स्टेबल रहने के लिए कोलास्ट्रॉम जरूरी है यानी इम्योनोग्लोबिन ए ज़रूरी होगा ये भी पैसिव इम्यूनिटी में आएगा यानी एक्टिव इम्यूनिटी ये क्या होगा स्लो एक्शन दिखाएगा लेकिन लाइफ टाइम दिखाएगा पैसिव इम्यूनिटी फास्ट एक्शन दिखाएगा और शॉर्ट टर्म के लिए दिखाएगा ये मेन डिफरेंस होगा इनमें ठीक ठीक अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हो पसंद आए तो लाइक like करो शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो पूरे वीडियो अगर देखने हैं तो इस लिंक पे आप जा सकते हो बायो अड्डा का लिंक है कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट आप करिए ज़रूर थैंक यू